हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कार के इंजन का इंजन ऑयल कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप अपने कार में कुछ रिपेयर करें ना करें, बट आपको इंजन ऑयल रिप्लेस करना आना चाहिए। इंजन ऑयल आपके इंजन का लाइफ ब्लड होता है और जनरली लोग डिपेंडेंट रहते हैं मैकेनिक पे, सर्विस सेंटर पे। तो अगर ट्रस्ट सही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वहाँ पे ठीक से वो लोग अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम आता है। अगर सही ब्रांड यूज़ नहीं कर रहे हैं, सही क्वांटिटी नहीं यूज़ कर रहे हैं, सही ग्रेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड ऑयल और न्यू ऑयल को मिक्स कर रहे हैं, तो जो इंजन आपका ईयर्स एंड ईयर्स चलता है वो आपका इंजन कुछ साल में उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, वो करोड होने लगता है। तो इंजन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप चक्कर लगाएंगे मैकेनिक का, सर्विस सेंटर का, आवर्स एंड आवर्स, उससे अच्छा है कि आप 15 to 20 मिनट्स में आप इसे खुद से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है पहली बार आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। आप इसमें मास्टर हो जाएंगे और थर्ड फोर्थ टाइम में आप इसमें पीएचडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इंजन ऑयल रिप्लेस किया जाता है। तो इंजन ऑयल ड्रेन करने के पहले आप थोड़ा सा अपने इंजन को रन कर लीजिए 2 to 3 मिनट्स, थोड़ा सा ये वार्म अप हो जाएगा तो ऑयल ड्रेन होने में ईजी होता है। और अगर आप कहीं बाहर से लॉन्ग ड्राइव से आ रहे हैं तो उस समय आपको इंजन ऑयल ड्रेन नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक कि ये आप टच ना कर सकें। बहुत ज़्यादा हॉट है तो आप इसे टच करेंगे तो ये बर्न हो जाएगा, तब तक आपको ड्रेन नहीं करना है जब तक कि ये बियरेबल नहीं हो जाए। उसके बाद आपको लोकेट करना है इसका ड्रेन बोल्ट। तो इसका ड्रेन बोल्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इंजन का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है वहाँ पे आपको ड्रेन बोल्ट मिलेगा। और इंजन का सबसे लोएस्ट पार्ट क्या होता है, वो होता है ऑयल पैन। तो ऑयल पैन के नीचे एक बड़ा सा बोल्ट आपको दिखेगा, वही होता है ड्रेन बोल्ट। तो मैंने कार को थोड़ा सा जैक कर लिया है ताकि मैं इंजन के बॉटम को एसेस कर सकूं इजली। और ये इंजन का सबसे बॉटम पोर्शन है, ये है ऑयल पैन और यहाँ पे ये है ड्रेन बोल्ट। इस केस में ये 17 mm का है, इसे ही हमें ओपन करना है। और जैसे ही इस बोल्ट को हम लोग ओपन करेंगे ऑयल ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने साथ में सेफ्टी स्टैंड और हैंड ब्रेक लगा लिया है ताकि ये कार थोड़ा भी इधर उधर मूव ना करे। और अभी हमें इस ड्रेन बोल्ट को ओपन करना है और आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। कभी कभी आप बाय मिस्टेक इसे टाइट करने लग जाते हैं तो इसे आपको ओपन करना है। ये देखिए, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, आपको ओपन करने में प्रॉब्लम होगा, तो आपको बहुत ही आराम से इसे ओपन करना है। और जब ये लूज़ हो जाए तो एक ड्रेन पैन नीचे रख लेना है और इसे धीरे धीरे आपको ओपन करना है। ड्रेन पैन नीचे होना चाहिए, ये देखिए ऑयल इधर उधर ना गिरे। ये देखिए ड्रेन होना स्टार्ट हो गया, आप देखेंगे तो नीचे ये ड्रेन हो रहा है, ड्रेन पैन में ऑयल नीचे आ रहा है। तो इसे हम लोग ड्रेन होने देते हैं कम्प्लीटली। और ये ड्रेन बोल्ट को आपको सेफली रखना है। तो ये हमारा ऑयल धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है, इसे हम लोग ड्रेन होने देते हैं। और उसके बाद तब तक हम लोग ऑयल फिल्टर को सर्च करते हैं। तो किसी किसी इंजन में ये बॉटम में ही होता है, बट किसी किसी इंजन में ये बहुत ही ऑड जगह पे होता है। यहाँ पे आपको देखना होगा टॉप में, यहाँ पे ये लोकेटेड है, आपको नीचे यहाँ पे देखना होगा। ये देखिए यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर लोकेटेड है और इस ऑयल फिल्टर को आपको ओपन करना है। तो इससे आप हाथ से ओपन नहीं कर पाएंगे, ये हाथ से आपका ओपन नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक अलग रिंच आता है। तो इस तरह का होता है इसका ऑयल फिल्टर जो मैंने आपको नीचे में दिखाया, ये न्यू वाला है। तो इसको आप हाथ से निकाल नहीं सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है कि ये हाथ से ही इस तरह से मूव होके निकल जाए। इसके लिए एक अलग डिवाइस आता है, ये टूल आप देख सकते हैं, ये टूल है।
और इसको इस तरह से हम लोग इसमें लगा करके इस तरह से इसे हम लोग ओपन करके निकालते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फंस जाता है इसमें, और इसको हम लोग निकालते हैं बाहर इस तरह से, तभी जा करके ये निकलता है। ठीक है, आपको टाइट करना है या लूज़ करना है, इसी से ही होगा ये। ये देखिए इस तरह से, तो इसी के हेल्प से हम लोग ओल्ड फिल्टर को बाहर निकालेंगे। तो हमारा ओल्ड ऑयल कम्प्लीटली ड्रेन हो चुका है, कम्प्लीटली बाहर आ चुका है। इसे हम लोग सेफली कहीं पे डिस्पोज कर देंगे, और कहीं भी वाटर सोर्स में से नहीं फेंकना है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है ओल्ड ऑयल फिल्टर को बाहर निकालना। तो यहाँ पे है इसका ऑयल फिल्टर, और यही ऑयल फिल्टर हमें ओपन करना है। अगर यही ऑयल फिल्टर नीचे में रहता है वर्टिकली तो बहुत इजी होता है इसे ओपन करना, बट इस तरह से अगर फ्रंट में ये दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपसे ईजली ओपन हो जाता है ये नीचे से यहाँ से तो ठीक है, बट अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको एक काम करना होगा कि आपको ये जो फ्रंट में जो बम्पर होता है उसे ओपन करना पड़ेगा, तो आपको अच्छा व्यू मिल सके कि कैसे इसे ओपन करते हैं। इसीलिए मैंने इसका फ्रंट बम्पर ओपन कर लिया है, अब आपको दिखेगा कि मैं इसे कैसे ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इसे कैसे ओपन कर रहा हूँ, मैं नीचे से स्टूल को अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, इस तरह से पूरे अच्छे से इंसर्ट कर दे रहा हूँ मैं, और इसे मैं टाइट करके इस तरह से मूव करूँगा। ये देखिए ये फिल्टर रोटेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए, ये देखिए ये अब लूज हो गया है। अब हम लोग स्टूल को बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस टूल को हम लोग बाहर निकालेंगे, और अब इसे हम लोग लूज़ हो गया, थोड़ा सा आपको लूज़ कर लेना है, और जैसे ही इसे आप थोड़ा सा लूज़ कर देंगे ये खुद से बाहर आने लगेगा। ये देखिए ये देखिए आपका ये ऑयल फिल्टर ये ओपन हो गया, ऑयल फिल्टर ये बाहर आ गया यहाँ पे देख सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें से ऑयल बाहर आएगा। ये देखिए ये आपका ओल्ड ऑयल फिल्टर बाहर आ गया, ये है हमारा न्यू ऑयल फिल्टर। और इसका कॉस्ट कार टू कार वेरी करता है, तो ये है न्यू फिल्टर। और अगर आपके कार में ये फिल्टर वर्टिकली लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ तक कम्प्लीटली इसमें ऑयल फिल कर लेना है, बट इस केस में इस कार में ये टिल्टेड इस तरह से लगा हुआ है, तो अगर मैं इसमें ऑयल फिल करता भी हूँ तो जब तक मैं इसे लगाऊंगा तो बहुत सारा ऑयल बाहर आ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कोई भी ऑयल फिल नहीं कर रहे हैं, बट एक काम आपको करना है, यहाँ पे ये जो पैकिंग दिया हुआ है रबर पैकिंग, इसमें आपको ऑयल लगा लेना है, ये ऑयल आपको लगा लेना है, इसमें लगाने से पहले इसमें ऑयल लगा लेना है, नहीं तो ये अच्छे से फिट नहीं हो पाता है और आपका यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा लगाने के बाद। तो इसमें पूरा अच्छे से प्यार से इसमें आपको ऑयल लगा लेना है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो भी इंजन ऑयल आपने परचेज करके लाया है वो आपको अच्छे से इसमें लगा लेना है। ठीक है, और हमने इसे जैसे ओपन किया था एग्जैक्टली उसी तरह इसमें हम लोग फिट कर देंगे। इसे अच्छे से हमें टाइट कर देना है, जितना आप कर सके इसे बहुत अच्छे से टाइट कर देना है। अगर आप इसे अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे हम लोग जितना पॉसिबल है लोग टाइट कर देंगे, हैंड टाइट ही अगर आप कर देंगे बहुत अच्छा से तो आपको इसके टूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम ओपन करने में भी आपको ईजी होगा। तो इसे हम लोग हैंड टाइट ही बहुत अच्छे से कर देंगे।
ये देखिए काफ़ी है, ये बहुत अच्छे से अपने जगह पे आ गया, लग गया हमारा ऑयल फिल्टर। और जैसे ही आप ऑयल फिल्टर लगाएंगे आपका 99% काम हो जाएगा, इसके बाद सब कुछ इजी है। उसके बाद एक पॉइंट जो कि हमें कभी नहीं भूलना है, अगर आप भूलेंगे तो सारा आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, वो है आपको इसका ड्रेन बोल्ट वापस लगा देना है। ठीक है, ड्रेन बोल्ट आप भूल जाएंगे तो जितना ऑयल आप डालेंगे सब नीचे से बाहर आ जाएगा, तो आपको इसका ड्रेन बोल्ट लगा देना है। इसे आप क्लीन कर लीजिए, और अगर इसका वाशर, यहाँ पे देखिए एक वाशर है, अगर ये क्रस्ट हो गया है या डैमेज हो गया है तो आप इसमें न्यू वाशर लगा लीजिए, और ये वाशर होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके आपका ऑयल का लीकेज होगा। और इस ड्रेन बोल्ट को हम लोग जहाँ से निकाले थे वहाँ पर हम लोग लगा देंगे इसे, ऑयल पैन के बॉटम पोर्शन में। ये देखिए मैं ड्रेन बोल्ट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, पहले मैंने हैंड टाइट कर दिया बहुत अच्छे से, इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। अगर अच्छे से आप टाइट नहीं करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। उसके बाद सबसे ईजिएस्ट वर्क बट सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जिसके लिए आप अपने लाइफ के डे वन से इंतजार कर रहे हैं, वो है न्यू इंजन ऑयल पोर करना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कैप दिखेगा, यहाँ एक कैप है, यहाँ पे एक कैप है, यहाँ पे एक कैप है, और यहाँ भी एक कैप है, तो आपको बहुत सारा कैप दिखेगा। बट यहाँ पर देखिए ये आपका इंजन है, ये इंजन हेड है, और इंजन हेड के ऊपर आपको दिखेगा लिखा हुआ इंजन ऑयल, ये कैप पे आपका लिखा हुआ है इंजन ऑयल, इसे आपको ओपन कर लेना है। सही कैप आपको देखना है, यहाँ पे देखिए कैप पे जरूर लिखा रहेगा इंजन ऑयल, इस कैप को आपको ओपन कर लेना है, और यहीं पे हम लोग न्यू इंजन ऑयल पोर करेंगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना है। तो ब्रांड आप कोई भी यूज़ कीजिए, जो भी ब्रांड आपको रिलायबल लगे आप यूज कर सकते हैं, बट ये जो ग्रेड है, ग्रेड आपको अपने ओनर्स मैनुअल में देखना है कि उसमें कौन सा ग्रेड आपके कार के लिए रिकमेंड किया गया है, वही ग्रेड आपको यूज़ करना है। और एक बात जिसका ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना है वो ये कि जो इंजन ऑयल आप परचेज़ करेंगे वो कोई भी रिलायबल सोर्स से परचेज़ कीजिए, ताकि वो ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट इंजन ऑयल से आप बचें। आजकल मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट इंजन ऑयल आने लगा है। कम्प्लीटली सील्ड होना चाहिए, इसमें कोई भी टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा वो कि इसमें कितना लीटर इंजन ऑयल पोर करना है, 1 लीटर करना है, 2 लीटर करना है, 3 लीटर करना है, 4 लीटर करना है, 4.5 लीटर करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना लीटर इंजन ऑयल पोर करना है? और ये जो क्वेश्चन है मुझसे बार बार पूछा जाता है। मेरा एक और चैनल है सेल्फ रिपेयर गुरुजी, उस पर मैं मोटरसाइकिल और स्कूटर के रिपेयर के बारे में बताता हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी मोटरसाइकिल हो या कार हो उसमें एक डिपस्टिक बना रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिपस्टिक दिखेगा, ये देखिए इस तरह का डिपस्टिक है। तो इस डिपस्टिक में आपका मार्क बना रहता है, ये देखिए ये जो पहला मार्क है यहाँ पे शो करता है कि जो इंजन ऑयल का लेवल है मिनिमम इस मार्क तक होना चाहिए और मैक्सिमम इस मार्क तक होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इंजन ऑयल तब तक पोर करना है जब तक कि ये मिनिमम लेवल तक आपका इंजन ऑयल लेवल पहुँच ना जाए, और उसके बाद आप इस दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो लोग जनरली यहाँ तक मैक्सिमम लेवल तक पोर करते हैं, और इससे ज़्यादा आपको कभी पोर नहीं करना है, और इससे कम आपको कभी लेवल नहीं रखना है। जब भी आपका ऑयल का लेवल रहेगा ये दोनों के बीच में रहेगा। अभी देखिए मैंने इसे निकाला है और इंजन में ऑयल नहीं है, तो ये देखिए मिनिमम लेवल से भी कम है, कितना कम है ये ऑयल देखिए, यहाँ पे ये अभी कुछ भी नहीं है, ये ओल्ड ऑयल का मार्क है यहाँ पे, ये देखिए इसमें अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल पोर करेंगे और लेवल देखते रहेंगे, और जब तक लेवल इसमें नहीं आ जाए इस दोनों के बीच में तब तक हम लोग ऑयल पोर करेंगे। ये मैंने डिपस्टिक को इंसर्ट कर दिया।
तो मैंने इसमें अभी अराउंड 1.5 लीटर मैंने पोर कर दिया है, और हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें लेवल कितना आया। तो इसमें अभी तक लेवल नहीं आया है, अभी हमें इसमें और पोर करना है। अब फिर से हम लोग लेवल चेक करेंगे कि कितना लेवल आया। तो लेवल यहाँ पे मिनिमम लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक पहुँच गया है, यहाँ पे लेवल आना शुरू हो गया है। और इसमें हम लोग तब तक पोर करेंगे जब तक कि यहाँ तक ना पहुँच जाए, या थोड़ा सा नीचे ही रहेगा तो और भी अच्छा है, बट इससे ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम लोग और पोर करेंगे। तो थोड़ा सा और पोर करने के बाद हमारा ये जो लेवल है यहाँ तक पहुँच गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ तक पहुँच गया है। तो इसमें थोड़ा सा और पोर करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे पोर करना। तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट अपने जगह पे पहुँच गया है, और अब हम इसमें और ज़्यादा ऑयल पोर नहीं करेंगे। ये अपने मैक्सिमम लेवल को ऑलमोस्ट टच कर दिया है और ये कंप्लीट हो चुका है। और इसे हम लोग क्लोज कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो ये 3 लीटर का कैन था, और अभी इसमें अराउंड हाफ लीटर बचा हुआ है। तो इस इंजन ने अराउंड 2.5 लीटर कंज्यूम किया है इंजन ऑयल। तो इसी तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके इंजन में कितना ऑयल रिक्वायर्ड है, और ओनर्स मैनुअल में भी लिखा रहता है कि आपको इंजन में कितना ऑयल डालना है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर सपोज आपके पास ओनर्स मैनुअल नहीं है या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप डिप स्टिक के हेल्प से भी इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके इंजन को एग्जैक्टली कितना ऑयल रिक्वायर्ड है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आपका कौन सा कार है और उसमें कितना इंजन ऑयल रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों, यही था इंजन ऑयल रिप्लेस करने का प्रोसेस, और हमने इस वीडियो में ऑयल को रिप्लेस किया, हमने ऑयल फिल्टर को रिप्लेस किया, और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लगेगा अगर आपका ऑयल फिल्टर का जो पोजीशन है वो सही जगह पे नहीं है। अगर बॉटम पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। बट अगर फ्रंट में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट अगर आप उसे भी एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आप खुद से उसे कर सकेंगे। और ये जो ऑयल बच गया है हाफ लीटर, वो हमारे बहुत काम का है, ये टॉप अप करने में काम आएगा। तो इसे आपको कहीं इधर उधर नहीं रखना है, ये बहुत काम का है, इसे आप सेफली रखिए, और टॉप अप में ये बहुत काम आएगा। टॉप अप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो इसे आपको सेफली रखना है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, और साथ में वो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई रिपेयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।